हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है वेस्ट रेलवे भर्ती 2020 का, और यहाँ पे जो है कि ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लगभग 3553 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ये वेस्टर्न रेलवे ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं है ना ही कोई एग्ज़ाम है। अगर आप 10th पास हैं, अगर आपने ITI किया है, तो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया बेस्ड ये जॉब रहेगी, कहीं से भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी बम्पर भर्ती है। टोटल यहाँ पे 3553 पोस्ट हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया बेस्ड हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा, सारी चीज़ आपको क्लियर करूँगा, जैसे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे जो पोस्ट है आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, RRC WR04 2019 अप्रेंटिस। और यहाँ पे जो डेट दे रखी है 2/1/2020 को ये रिलीज हुआ, 2 जनवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी इस पोस्ट के लिए, जरूर आप अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का टाइम और डेट है, ये 7 जनवरी 2020 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2020 की रहेगी। तो यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन होगा, इसका आपको जो ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRCWR.com। तो ये आपको मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है। इसमें नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे अप्रेंटिस नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं। तो इसी में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सारा कुछ आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप इजीली एप्लीकेशन अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और बात करूँ मैं इसमें जो वैकेंसी है टोटल अलग अलग, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी जो टोटल पोस्ट है 3553 पोस्ट है, और ये जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन आप सेंड करेंगे, आपकी जो मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल कुछ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जो SC ST या OBC कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि वो 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो पर्सन जो डिसेबिलिटी है, PWD है, जो हैंडीकैप है या दिव्यांग जो है, उनके लिए 10 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, 10 साल का रिबिट आपको मिलेगी, यानी कि वो यहाँ पे 34 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो है, उनके लिए भी 10 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी 34 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बात करूँ मैं अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूरा ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई, किसको कितना यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे आपकी एज जो है कि 7/2/1996 से 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये एज के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग बेनिफिट मिलेगा, जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप सारे ये नोटिफिकेशन वीडियो मैंने डाल दिया, वहाँ से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो आप यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 10th पास अगर आप हैं या 10+2 के एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, 50% मार्क्स यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो एफिलेटेड हो NCVT और SCVT से। और बात करूँ मैं जो यहाँ पे पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट है। तो पोस्ट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है, यहाँ पे फिटर के लिए यहाँ पे टोटल जो टोटल निकले हैं 10, यहाँ पे टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, इस ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे फिटर के लिए यहाँ पे जो ITI ट्रेड मांगा गया, आप ट्रेड भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिटर के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपके पास होना चाहिए, वेल्डर के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड आपके पास होना चाहिए। और ये ट्रेड आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये सारे ट्रेड देगी, तो टोटल यहाँ पे 17 ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, ड्राफ्टमैन से लेकर, तो ये आप देख सकते हैं। और जो पोस्ट की हम बात करें, कितने जो पोस्ट है यहाँ पे, तो फिटर के लिए देखिए यहाँ पे 63 पोस्ट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया रहेंगे। अनरिजर्व के लिए SC के लिए 23 पोस्ट है, ST के लिए 11 हैं, 41 OBC के लिए, EWS के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट है, टोटल 153 पोस्ट हैं। वेल्डर के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं, और टर्नर के लिए 1 पोस्ट है, और जो कारपेंटर उसके लिए 23 पोस्ट यहाँ पे हैं। पेंटर जनरल के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं, और DSL जो मैकेनिक है उसके लिए 25 पोस्ट यहाँ पे हैं।
और मैकेनिक जो मोटर व्हीकल है उसके लिए यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। तो टोटल ये 214 पोस्ट हैं जो कि मुंबई डिवीज़न बी सी टी के लिए हैं। जो दूसरी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए पोस्ट निकाली गई है। तो वेल्ड जो फिटर के लिए यहाँ पे टोटल 15 पोस्ट हैं, और जो वेल्डर है उसके लिए यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, और डीजल मैकेनिक के लिए 32 पोस्ट है। टोटल 212 पोस्ट है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। बात करूँ मैं यहाँ पे जो अदर पोस्ट है, टोटल 374 पोस्टें हैं जो इलेक्ट्रॉनिकल डिपार्टमेंट के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, मुंबई के लिए वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, फिटर के लिए आप देख सकते हैं 4 पोस्ट हैं, और वेल्डर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, कारपेंटर के लिए यहाँ पे 40 पोस्ट हैं, पेंटर जो जनरल है उसके लिए यहाँ पे 40 पोस्ट हैं, और जो अदर है यहाँ पे अदर आप देख सकते हैं फिटर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे टोटल 729 पोस्ट है। इस वीडियो के मैं काफ़ी अगर मैं सारे डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए टोटल यहाँ पे 322 है, और जो टोटल पोस्ट है 792 पोस्ट यहाँ पे हैं। तो टोटल 17 जो ट्रेड्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़ौदा डिवीज़न है उसके लिए यहाँ पे टोटल 92 पोस्ट हैं जो कि 5 ट्रेड के लिए यहाँ पे मांगा गया है। और उसका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 326 पोस्ट यहाँ पे हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बड़ौदा का उसके लिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 490 पोस्ट है। और बात करें हम जो यहाँ पे अहमदाबाद डिवीज़न है, अहमदाबाद डिवीज़न के लिए जो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 128 पोस्ट है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए हैं। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 280 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 603 पोस्ट हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो ये दोस्तों टोटल वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ये बड़ी निकाली हुई है, भर्ती निकली हुई है। आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, यहाँ पे अलग अलग उसके लिए है। तो ये मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल डाल दिए, वहाँ से आप लिंक ओपन करके डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं। जहाँ आपको पूरी कोई भी डाउट होता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो फीस है आपका, फ़ीस का मैं बता देता हूँ, जो आपकी फ़ीस होगी 100 रुपये आपको फ़ीस देना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पर फ़ीस देंगे। और जो फीस होगी वो SC ST के लिए जो कोई फ़ीस नहीं देनी होगी जो SC ST कैंडिडेट हैं। और फी जो आपकी पे होगी वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं अपनी पेमेंट फ़ीस यहाँ पे। और एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRC का, वेस्टर्न रेलवे का, उस पर आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ सबमिट करना होगा। और यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल होती हैं जो कि डिसेबिलिटी कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पे अलग कंडीशन दी गई है। तो अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है जो फिजिकल हैंडीकैप है तो इस चीज़ को पूरे पढ़ सकता है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो होगा आपका एलिजिबल एप्लीकेशन इंपेयरिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस 6 Act 1960 के यहाँ पे आपका होगा। तो यहाँ पे जो आपका इन केस ऑफ टू एप्लीकेशन द सेम मार्क्स एप्लीकेशन जो ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड, जो ज़्यादा जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। और जो आपका सिलेक्शन होगा ये मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपको यहाँ पे जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी तो उसकी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे रेगिस्टेबमेंट जो आपका रहेगा, ये कैंडिडेट जो होगा अप्रेंटिसशिप पीरियड में आपको ये जो एज़ पर रेट गवर्नमेंट के जो रेट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपकी सैलरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो आपका एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। आपको ये वेबसाइट है www.rrcwr.com पे आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करके वहाँ पे सबमिट करना है। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।